तो बच्चों वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट ऑफ जीएसटी, नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिस ऑन दैट। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जीएसटी पे। अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, ठीक है। एक आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस कितना है, ₹15,000 है। नाउ अ डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। एक डीलर है जो कंज्यूमर को उस आर्टिकल को सेल करता है एट 10% प्रॉफिट, मतलब 10% प्रॉफिट कमाता है उससे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों को टैक्स एक्सक्लूड करके उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों हम लोगों को, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। कितना टैक्स पे करता है कंज्यूमर वो निकालना है, और जो तीसरा है वो निकालना है हम लोगों को टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना टोटल अमाउंट पे करता है किसको, डीलर को, ठीक है, वो निकालना है। सो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोगों को टैक्स को हटा के आर्टिकल का, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस, सो राइट हियर मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹15,000, ठीक है। 15,000 का बच्चों मार्क्ड प्राइस है आर्टिकल का, ठीक है। नाउ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फायदा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ उसको डीलर को, 10% प्रॉफिट हुआ। सो राइट हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू 10/100, ठीक है। 10% है ना यहाँ पर, तो 10/100 लिखेंगे किसका, मार्क प्राइस का ₹15,000 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, सो दिस इज ₹1,500, ठीक है। तो ₹1,500 प्रॉफिट हुआ किसको, डीलर को, ठीक है। 10% के हिसाब से ₹1,500 उसको प्रॉफिट हुआ। नाउ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटा के, ठीक है, ध्यान में रखना, इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस मतलब 15,000 प्लस प्रॉफिट मतलब 1500, कितना हो गया, दिस इज ₹16,500। सो बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹16,500, समझ में आया कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, नाउ क्या करना है इसमें हम लोगों को, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। सो यहाँ लिखो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों। सो वो कितना पे किया डीलर को, कंज्यूमर 16,500 पे किया, राइट। तो 16,500 के ऊपर क्या देगा, वो जीएसटी देगा, ठीक है। 16,500 के ऊपर वो जीएसटी देगा, क्योंकि जीएसटी हम लोग से यहाँ पूछ रहा है, तो हम लोग केवल 12% के हिसाब से जीएसटी निकाल के शो करेंगे यहाँ पे। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नहीं ब्रेक करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा कुछ भी नहीं निकालना है, हम लोगों को सिंपली यहाँ पे जीएसटी निकालना है, ठीक है। जो 12% पे करने वाला कंज्यूमर, किसके पास जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। सो राइट हियर ₹16,500, ठीक है, 16,500 जो सेलिंग प्राइस था इसका 12%, ठीक है, 12/100। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, सो दिस इज ₹165 × 12, ठीक है। सो रफ कर लो यहाँ पे, 165 × 12 कितना होता है, 5 × 10 12 13 3 3 now 5 6 1, सो दिस इज 0891 1980 इज इक्वल टू ₹1980, ठीक है। सो 1980 रुपीज वो क्या देगा, जीएसटी देगा, ठीक है, टैक्स पे करेगा इतना। नाउ फाइनली क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे इंक्लूड करना ही पड़ेगा हम लोगों को, सो दिस इज 16,500 प्लस जीएसटी, ठीक है, ₹1980, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो 16,500
1980, so this is 0895144 carry 181 is 18480 rupees. ठीक है, rupees 18480. ठीक है, so ये total amount consumer pay करेगा dealer को including GST. ठीक है, GST के साथ में. ठीक है, समझ में आया? तो बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, यहीं से हम लोग स्टार्ट किए हैं. हर एक सेशन में हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे. ठीक है, आप लोगों को देखने में सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा. ठीक है, और हम लोग बहुत सारा सेशन करेंगे 4-4 क्वेश्चन का. ओके, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ रुपीज 4000 एंड सेल्स दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट. ठीक है, एक शॉपकीपर है जो कुछ गुड्स खरीदता है कितने का, 4000 रुपीज़ का. ठीक है, और उसको सेल करता है कंज्यूमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है, और GST कितना है बच्चों, 5% का है. ठीक है, सो हम लोग को यहाँ निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स, दूसरा निकालना है CGST पेड बाय द कंज्यूमर, तीसरा निकालना है हम लोग को SGST पेड बाय द कंज्यूमर, एंड फाइनली द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. ठीक है, सो देखो पहला क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस निकालने का. ठीक है, सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है. यहाँ पे हम लोग को पता है कि शॉपकीपर उसको खरीदता है कितने में, 4000 में. सो राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू रुपीज 4000. ठीक है, 4000 क्या है कॉस्ट प्राइस है गुड्स का. नाउ प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट 20% का है उसका. ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल 20% किसका बच्चों. ठीक है, किस पे निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट, तो जो कॉस्ट प्राइस है उस पे निकालते हैं प्रॉफिट. ठीक है, जितने में वो खरीदा शॉपकीपर उस पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ. सो 20% ऑफ रुपीज 4000. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 20/100 इंटू रुपीज 4000. ठीक है, एंड दिस इज रुपीज 800. ठीक है, 800 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना हो गया बच्चों, रुपीज 4000 प्लस रुपीज 800 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज 4800. ठीक है, 4800 क्या हुआ उसको, 4800 क्या था बच्चों, सेलिंग प्राइस था. 800 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, 4000 में वो खरीदा था. ठीक है, समझ में आ गया. इस तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे पहले. ठीक है, और क्या है ये, एक्सक्लूडिंग GST है, इस पर कोई GST मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है. ठीक है, नाउ तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग आए बच्चों यहाँ पे, वो क्या है पार्ट टू में हम लोग को निकालना है CGST पेड बाय द कंज्यूमर. ठीक है, CGST क्या होता है बच्चों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, सो 5% यहाँ पे दिया हुआ GST. ठीक है, गिवन GST इज इक्वल टू 5%. ठीक है, GST दिया 5%. सो अब कंज्यूमर जो पैसा पे करेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना पे करेगा, 4800. ठीक है, शॉपकीपर इतने में सेल किया, मतलब कंज्यूमर इतना पे करेगा शॉपकीपर को. ठीक है, सो ये जो CGST होगा और जो SGST होगा वो क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, मतलब CGST उसको पे करना पड़ेगा 5% का आधा, और SGST उसको पे करना पड़ेगा 5% का आधा. मतलब यहाँ पे लिखो CGST पेड बाय द कंज्यूमर, क्योंकि सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चों. सेम स्टेट का बात बोलो ना, यहाँ पे देखो यहाँ गिवन है कि सेम स्टेट है, मतलब सेम स्टेट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या होता है, आधा आधा पैसा बढ़ता है बच्चों, आधा आधा टैक्स बढ़ता है एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में. ठीक है, सो CGST मतलब सेंट्रल GST हुआ पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू 2.5%. ठीक है, 2.5% ऑफ रुपीज 4800 जितने में कंज्यूमर खरीदा उसको. ठीक है, कंज्यूमर कितने में खरीदा, 4800 में खरीदा. ठीक है, तो उसको 2.5% ऑफ 4800 पे करना पड़ेगा क्या, CGST. सो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2.5/100 इंटू रुपीज़ 4800. सो दिस इज 2.5 इंटू रुपीज़ 48, तो दिस इज़ रुपीज़ 120. ठीक है, तो 120 रुपये क्या करेगा, वो पे करेगा CGST. ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट थ्री में क्या हम लोग को निकालना है, यहाँ पे SGST निकालना है. तो बच्चों 5% का आधा, मतलब 2.5% क्या दिया वो, CGST दिया, तो 2.5% क्या देगा वो, SGST देगा, क्योंकि आधा आधा पैसा बटेगा. ठीक है, सो SGST
SGST paid by consumer is equal to 2.5% of ₹4,800. ठीक है, जितने में खरीदा हो, ठीक है 4,800 में खरीदा, ठीक है, तो उसका 2.5% उसको देना पड़ेगा SGST, और यहाँ पे 2.5% दिया था वो क्या CGST. सो अगेन सेम वैल्यू आएगा बच्चों, 2.5/100 करो यहाँ पे इनटू ₹4,800. सो दिस इज अगेन ₹2.5 × 48, सो दिस इज ₹120. ठीक है, सो वो SGST भी ₹120 देगा और CGST भी ₹120 देगा. सो फाइनली हम लोगों को निकालना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. सो पार्ट फोर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रुपीज़ ये वाला तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस है, ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है और कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस है. सो यहाँ पे 4,800 तो देगा ही देगा वो, प्लस साथ में टैक्सेस भी देगा, ₹120 देगा वो CGST और ₹120 देगा वो SGST, तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, दिस इज ₹4,800 प्लस ₹240. ठीक है, सो दिस इज 40 एंड 8 × 10 = 0, सो दिस इज 5. ठीक है, ₹5,040. ठीक है, ₹5,040 वो पे करेगा पूरा. ठीक है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹5,040. ठीक है, समझ में आया. तो इस तरह से हम लोग सेम स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो आधा आधा बांट देते हैं जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. ठीक है, मतलब SGST हम लोग देंगे उसका आधा, जो भी GST दिया रहेगा, और CGST देंगे हम लोग उसका आधा. ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500. अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%. ठीक है, इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, ठीक है, GST दिया हुआ 18%, ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ 12,500, ठीक है, कलकत्ता का डीलर है, कलकत्ता में ही बेचता है, ठीक है, उसको प्रॉफिट होता है 8% का. ठीक है, कलकत्ता का डीलर है, कंज्यूमर भी कलकत्ता का है, सेम सिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सेम सिटी. ठीक है, ध्यान में रखना है इसको. ठीक है, 8% का प्रॉफिट होता है. तो हम लोगों को यहाँ निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटा के. ठीक है, सो सॉल्यूशन पार्ट वन का. ठीक है, हम लोगों को निकालना है सेलिंग प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मार्क प्राइस, लिखो पहले, दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹12,500. ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ बच्चों 8% का, 8% का, 8% किसका, ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ₹12,500. ठीक है, सो निकालो प्रॉफिट. सो 8/100 हो जाएगा इनटू 12,500. सो दिस इज ₹8 × 125 इज इक्वल टू ₹1,000. ठीक है, प्रॉफिट हो गया 1,000. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹12,500 प्लस ₹1,000 इज इक्वल टू ₹13,500. 13,500 क्या है, सेलिंग प्राइस है सर. ठीक है, हम लोग क्या किए, जो भी कॉस्ट मतलब मार्क प्राइस है वो प्रॉफिट को ऐड करके यहाँ निकाल दिए सेलिंग प्राइस. ठीक है, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है. राइट, नाउ अब पार्ट टू में क्या करना है, हम लोग को निकालना है IGST, CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, सो देखो यहाँ पे समझने का बात यह है कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ, सेम सिटी में हुआ. ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कहाँ हुआ, सेम सिटी में हुआ. सो यहाँ पे सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ लिखो IGST इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, यहाँ पे IGST एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है कहाँ हुआ है, सेम सिटी में हुआ है, सेम स्टेट मतलब सेम प्लेस पे हुआ है. ठीक है, कलकत्ता है मतलब बंगाल है, तो बंगाल में ही हुआ है. ठीक है, सो IGST यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा यहाँ पे हम लोग को निकालना है अब CGST और SGST, CGST एंड SGST. ठीक है, सो जो GST का रेट है यहाँ पे, ठीक है, वो कितना है, 18% है. ठीक है, GST कितना है बच्चों, 18% है, ध्यान दो. सो CGST और SGST जो होगा बच्चों 18% का, आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा. तो CGST उसको देना पड़ेगा 9%, और SGST उसको देना पड़ेगा 9%.
ठीक है, दोनों आधा आधा हो जाएगा, 9% सेंट्रल के पास में जाएगा, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, राइट। और एस जी एस टी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेम प्लेस पे सेम स्टेट में सारा काम हो रहा है, सेम स्टेट में सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट। सो दिस इज 9% ऑफ जो भी अमाउंट लेगा जिसमें बेचेगा एग्जैक्टली 13,500, तो 9% ऑफ रुपीज़ 13,500, ठीक है। अगेन ये भी क्या हो जाएगा, 9% ऑफ रुपीज़ 13,500, 9% जाएगा सी जी एस टी में, 9% जाएगा एस जी एस टी में। सो दिस इज 9/100 इंटू रुपीज़ 13,500, सो दिस इज 9 × 135, ठीक है। रुपीज़ 9 × 135 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सो दिस इज 135, 9 1/2, 1/5, ठीक है। रुपीज़ 1/2, 1/5, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी देख लो, 9/100 इंटू इतना, सो यहाँ पे होगा 9 × 135, सो रुपीज़ 1/2, 1/5, ठीक है। तो 1215 रुपया, ठीक है, 1215 रुपीज़ देगा वो सी जी एस टी, और इतना ही देगा वो एस जी एस टी, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे अपना सी जी एस टी, एस जी एस टी, और इस केस में आई जी एस टी एप्लीकेबल नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू आई जी एस टी इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ पार्ट थ्री में द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, ठीक है। सो पार्ट थ्री में अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा जो भी अमाउंट है, मतलब रुपीज़ 13,500 प्लस टैक्सेस, ठीक है, मतलब 1215 + 1215, सो दिस इज 13500 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2430, सो दिस इज यहाँ पे कर लेते हैं 2430, सो दिस इज 3915930, सो दिस इज रुपीज़ 15930, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कितना अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर, ठीक है, डीलर को, वो पे करेगा 15,930 रुपया, ठीक है, जिसमें हम लोग का सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों कितना है, 1215 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000 एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, इफ द रेट ऑफ जी एस टी इज 12%, फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, ठीक है। तो एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल खरीदता है किसी होलसेलर से कितने में, ₹20,000 में, ठीक है, और फिर वो कंज्यूमर को बेचता है 10% प्रॉफिट पे। सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस कितना है शॉपकीपर के लिए, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 20,000, ठीक है, 20,000 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का शॉपकीपर के लिए, मतलब इतना पैसा वो किसको देगा, होलसेलर को देगा, ठीक है, इस आर्टिकल के लिए। सो जीएसटी पेड है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, जीएसटी पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, ठीक है, क्योंकि वो खरीदा है, ठीक है, इसको रीसेल करने के लिए, इसको दोबारा बेचना है उसको, ठीक है। सो इस जीएसटी को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी। सो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर मतलब इनपुट जीएसटी कितना होगा, वो हो जाएगा 12% ऑफ ₹20,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ₹2,400 जीएसटी पे कर दिया वो, ठीक है, जो शॉपकीपर से लिया था 20,000 में एक आर्टिकल, उसके लिए वो 2,400 रुपये जी एस टी पे कर दिया। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अब कितने में बेचेगा बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, मतलब वो जी एस टी पे कर दिया अपना सामान को लेके, ठीक है, उसको कभी भी बेचेगा वो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 20,000, ठीक है, 20,000 तो रहेगा ही,
इस पर 10% प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, 10/100 × 20,000, ठीक है, सो दिस इज रुपीज 20,000 प्लस ये हो जाएगा रुपीज 2,000, ठीक है, रुपीज 2,000, सो ये हो गया बच्चों रुपीज 22,000, ठीक है, 22,000 क्या हो गया बच्चों, सेलिंग प्राइस हो गया उस आर्टिकल का, ठीक है, 22,000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया उस आर्टिकल का जो कंज्यूमर को बेचेगा, अब 10% प्रॉफिट कमा के उसके ऊपर, ठीक है। इनपुट जीएसटी समझ में आया बच्चों, इनपुट जीएसटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डीलर पे जो शॉपकीपर पे किया, ठीक है, उस आर्टिकल के लिए 20,000 उस पर वो देगा इनपुट जीएसटी, ठीक है, 12% के हिसाब से, क्योंकि रेट दिया हुआ है यहाँ पे 12%, ठीक है। सो इसको समझने के लिए बच्चों एग्जाम्पल बहुत मतलब मायने रखता है, सो एग्जाम्पल से ही हम लोग को अच्छे से समझ में आता है इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। सो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि इनपुट जीएसटी क्या है, 2,400 है, फिर 10% प्रॉफिट कमाया तो वो 22,000 में मतलब 22,000 में बेचेगा उसको, किसको, सेल करेगा कंज्यूमर को, ठीक है। नाउ अब कंज्यूमर खरीदा कितने में उसको, 22,000 में बच्चों 22,000 में उसको कंज्यूमर खरीदा, इसका मतलब कंज्यूमर इस पर टैक्स पे करेगा, ठीक है। सो राइट हियर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर टू शॉपकीपर, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आउटपुट जीएसटी, ये होगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि इतने में खरीदा है, ठीक है, 22,000 में खरीदा है कंज्यूमर इसको, तो 22,000 के ऊपर क्या करेगा वो, जीएसटी पे करेगा, ठीक है, जीएसटी पे करेगा कौन, कंज्यूमर, किसको, शॉपकीपर को, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 12%, 12/100 × 22,000, ठीक है, सो दिस इज 12 × 220, दिस इज 4,422, ये हो जाएगा बच्चों 2,640, तो इतना रुपया पे करेगा वो जीएसटी किसको, शॉपकीपर को, ठीक है, 2,640 रुपये वो पे करेगा आउटपुट जीएसटी। सो इनपुट जीएसटी क्या होता है, जो शॉप का जो शॉपकीपर दिया, ठीक है, जो शॉप का जो शॉपकीपर दिया वो क्या था, इनपुट जीएसटी था, और जो कंज्यूमर दिया शॉपकीपर को वो क्या था, आउटपुट जीएसटी था, ठीक है। सो टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कितना टैक्स पे करेगा फाइनली शॉपकीपर, इक्वल टू इनपुट जीएसटी सॉरी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, सो दिस इज रुपीज 2,640 माइनस रुपीज कितना था, 2,400, सो दिस इज 240 रुपीज, ठीक है, 240 रुपया टैक्स लाइबिलिटी बनता है किसका, शॉपकीपर का, ठीक है, शॉपकीपर के लिए जो टैक्स लाइबिलिटी है कितना, 240 है, क्योंकि इतना रुपया देखो 2,400 तो ऑलरेडी पे कर चुका है वो, ठीक है, इस आर्टिकल पे 2,400 ऑलरेडी पे कर चुका है, दोबारा तो पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है करना है यहाँ पे कि इसको भी पे कर दिया पहले फिर बाद में ये पूरा का पूरा 2,640 रुपये भी पे करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर दिया वो था क्या, इनपुट जीएसटी, और जो लिया शॉपकीपर इससे कंज्यूमर से वो था आउटपुट जीएसटी, सो टैक्स लाइबिलिटी होता है हम लोग आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, जो कि कितना है, 240 रुपीज़ है, ठीक है। सो हर लेवल पे नहीं पे करना पड़ता है, जितना पे कर दिया है उसको हम लोग आउटपुट में से माइनस कर देंगे तो हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगा शॉपकीपर का, राइट। सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था हालांकि, ठीक है, हम लोग अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।